हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल क्रेजी में। दोस्तों आज के बाद ना इस चैनल पे आपको बहुत सारी क्रेजीज वीडियो जैसे नेचर से भरी, एडवेंचर भरी और अलग अलग एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आप आज के बाद इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों सबसे ये हमारे चैनल की जो है वो फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको अपने टोका देता हूँ कि आज की जो वीडियो है किसके ऊपर होने वाली है। तो चलिए आइए इधर। तो दोस्तों आपको ये चीज़ तो दिखाई दे रही होगी, मुझे भी दिख रही है। आज की हमारी जो वीडियो है ना इसी के ऊपर होने वाली है। तो गांव से बिलोंग करते हैं ना, उनको भली भांति पता है कि ये चीज़ क्या है। इसको वो मतलब गांव की भाषा में बेदरा बोलते हैं और जो सिटी वाले होते हैं उसको नाला, शायद नाला ही बोलते हैं, ठीक है बोलते रहते होंगे। लेकिन हम मतलब इसके बारे में जो है ना आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये कहाँ से शुरू होता है और कैसी कैसी जो जगह होती है उनसे निकल कर जाता है और कहाँ जाकर ये मिल जाता है, कौन सी नदी में जाकर मिलता है, कहाँ जाकर मिलता है, ये हमें भी पता नहीं है। और हमें तो ये भी पता नहीं है कि आज आखिर ये शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमने भी बचपन से लेकर इतने से जब से इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें भी पता नहीं है मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है। हमने केवल हमारे खेत के पास से ही निकल के जा रहा था, हमने वहीं पर देखा था। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, उसके बाद वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो लेट्स गो। भाई साहब इस पानी के तो क्या कहने हैं यार, मतलब इस पानी को छूकर जो आनंद मिलता है ना उसकी तो अलग ही बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट वाला पानी है, नेचर वाला पानी है यार। इसको हमने जमीन को उतरने निकाला है, ये तो भी डायरेक्ट ऊपर से आया है बिल्कुल। तो चलिए चल रहे थे अपनी नई वीडियो को, लंबा हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों देख रहे हो यहाँ आपको मतलब दिखाई देगा, देखो इधर से जो पानी आ रहा है और एक इधर से भी आ रहा है। अब इधर ऑटोमेटिकली हमने जो वहाँ पे देखा था, फर्स्ट जो व्यू देखा था ना उसमें आपको देखा होगा कि वहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन आप इधर देखिए पानी में थोड़ी मतलब कमी आई है, यहाँ थोड़ा कम पानी मिल रहा है क्योंकि, और देखिए एक इधर से भी यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको ये छोटे छोटे जो रहते हैं ना ये मतलब जो मिलकर है ना बहुत बड़ा बहुत बड़ी नदी नाला बना लेते हैं। चलिए पहले आप इसके जो बड़ा वाला है ना इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। आइए मस्त दिखाई दे रहा है यार, मतलब एक जो व्यू है ना जो नेचर का जो खूबसूरती जो दिखाई देती है ना काफ़ी मस्त है यार। देखिए इधर बगल में जो खेत हैं, बगल में पानी बह रहा है और इधर हरियाली, हालांकि थोड़े क्या है कि मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा ऊँचे लंबे लंबे दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना भी है ना उत्तम है यार। चलो चलते हैं। और दोस्तों उधर देखिए थोड़ा सा जो इसका मतलब कुछ तालाब टाइप का दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई गेम बना रखा, शायद आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा लेकिन थोड़ा सा बना, तो वहीं चल के देखते हैं ना क्या। चलिए चलिए उधर से आके आओ, थोड़ा उधर से आओ, उधर से होके आओ। कुछ पता नहीं चला कि आगे ये कितना गहरा है और मेरा पैर एकदम से चला गया। और इधर देखिए भाई, इधर देखिए करना है ना यहाँ से, मतलब ये तो बाद में बनाया, लेकिन इसका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है ना भाई, ये छोटे छोटे झरने मिलकर जो है ये बड़ा तालाब बना रहा है यहाँ पे। ये बड़ा जो तालाब से आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कैनी घाट बना दिया गया है, ये गवर्नमेंट बनवाती है जगह जगह पे पानी को स्टोर करने के लिए। तो
लेकिन ये जो तालाब है ना, अलग अलग झरने आ रहे हैं इधर उधर से बहुत सारी जगह से, और वहाँ से आकर ये पानी जमा हो रहा है, और यहीं से निकल कर जो है ना, आपने फर्स्ट में देखा होगा वहाँ पे, तो वहीं पे मतलब जाकर ये मिल रहा था, तो अब इसी को पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ का मतलब इसमें, तो अब देखिए यहाँ पे पानी कितना कम है। तो वहाँ पे तो हमें बहुत सारा पानी दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पे तो इतना सा पानी है, तो हम इसी के साथ देखते हैं कि अगर इसमें वो जो पानी बढ़ रहा है वहाँ पे इतना सारा पानी जा रहा है, वो कैसे मिलकर बन रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दूँ, ये वीडियो है ना काफ़ी मतलब जितनी एडवेंचर और मस्ती वाली है उससे ही ज़्यादा इसमें मतलब थोड़े खतरे भी कुछ ज़्यादा ही हैं दोस्तों। अब ऊपर चलेंगे, ऊपर वाओ, और उसमें मेरा पैर चला गया, और दो तीन जगह तो हमको इसमें सांप भी दिखाई दिए, अलग अलग जानवर भी दिखाई दिए छोटे मोटे, हो सक मतलब कुल मिला के बहुत खतरनाक है, मतलब थोड़ा सा खतरा है इसमें, लेकिन आपके लिए हम ये खतरा ज़रूर उठाएंगे दोस्तों, और इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, दोबारा यहीं से सफ़र शुरू करना पड़ेगा यार, हद है। जो आपको इतना देखिए कम पानी आ रहा है, और यहाँ से झरना मिल रहा है, और एक उधर से भी मिला था वो आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आ रहा है, लेकिन इसमें इसमें एक खास बात बताऊंगा आपको, इधर आओ, एक बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा, ये देखो यहाँ से थोड़ा पास देखो, इसका जो पानी है ना, पानी बिल्कुल मतलब क्लियर आ रहा है, बिल्कुल ग्लास क्लियर आ रहा है बिल्कुल, है ना। और इसमें देखो ये, इसमें थोड़ी मिट्टी मिली हुई है, मतलब बिल्कुल आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ना उस पॉइंट पर जल्दी जल्दी पहुँच के, उसके आगे का व्यू है ना वो बहुत खतरनाक होने वाला है, उसके आगे ना आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत नई नई। चलिए चलते हैं, पानी बिल्कुल साफ है, ये साफ है ना, ये बिल्कुल पीने लायक ही है। बहुत बड़ा हो जाएगा इस जैसा, इस जैसा तो नहीं बन पाएगा। यहाँ के थोड़ा पानी के तेज हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये जो खाई है ना, देखो पानी ने कितना कटाव कर करके मतलब इन जगह को इतना घेरा कर दिया कि यहाँ बहुत सारा पानी है, और ऐसी जगह पे आपको खतरा रहता है ज्यादातर, इन जगह में क्या जैसे सांप रहते हैं ना, उनके छिपने के लिए बेस्ट जगह है ये, यहीं पर छुपे रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था ना, बहुत जगह पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे जो आपको ये लोकेशन दिख रही है ना, अब इसके बाद हमारे जो लिए जो है नया रास्ता है, तो इस नए रास्ते में हमें क्या क्या एडवेंचर देखने को, हम आगे चल के देखते हैं।
देखिए इधर खेत आ चुके हैं, ये नीचे से होकर जा रहा है क्योंकि हम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि ये बारिश में से बेबे के यहाँ पे झाड़ियाँ आई हैं तो इसकी वजह से हम इसमें अंदर नहीं जा सकते। हम आपको डायरेक्ट वहाँ से चलते हैं, इसके किनारे किनारे कैसी जगह बना जहाँ पे भी पानी टकराता है ना वहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा गहरी जगह बन जाती है, इसीलिए तो थोड़ा सा खतरनाक होता है। कुछ था वहाँ पे एकदम से कूदा थोड़ा डर गया तो क्योंकि दोस्तों डर तो सबको ही लगता है। देखो पानी मतलब पूरा लेवल पे चुका और कुएं में से निकल निकल के पानी जा रहा है। देखो आप ये देखो पानी जब यहाँ से टकराया होगा तो इसने मतलब ये यहाँ पे गाड़ी सी बंद होगी, यहाँ पे क्या आदत कर दी पानी ने। तो पता नहीं है अंदर क्या है क्या नहीं है तो हम थोड़ा सावधानी से चलेंगे इसमें। सांप है तो हम इससे होकर नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर सांप है आपको शायद कैमरे में दिखाई होगा, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर आइए हम आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा, नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। इसकी जो वो जगह दिख रही है वहाँ पे क्या है सांप है उसका मतलब ये गोल सा बना हुआ है वहाँ पे सांप है, हम उधर से होके नहीं जाएंगे क्योंकि इधर है वो अभी बैठा हुआ है वहाँ पे। जनरली सांप क्या करता है कि एकदम से इंसानों को देखकर अंदर बिल में घुस जाता है, लेकिन इस निकलने की कोशिश की तो मुझे एकदम वहाँ से बंदना पड़ा और जैसे कैमरा में इधर से भग के आया तो वो बेचारा इस मिट्टी में फंस गया, उसका सीन हो गया। सिंपल देखा होगा लेकिन पानी देखो आप इसका सीन देखो यार बिल्कुल क्लियर है और कहाँ से आ रहा है देखो इधर देखो ये देखो छोटे छोटे झरने बने हुए हैं, देखो इन छोटे छोटे झरनों से पानी आ रहा है बिल्कुल क्लियर है यार बिल्कुल क्लियर आ रहा है देखो ये यार। इसमें तो अभी मन कर रहा है कि इसमें कूद जाऊँ मैं, लेकिन अभी कूदना नहीं है हमें, आगे भी बताना है आपको।
जाने लगा तो ये मिट्टी मेरे ऊपर ही गिर गई थी। साथ में आए थे ये वाला, इसके हम साथ में आ रहे हैं जब से, और जो ये वाला नया है जो इसमें आके यहाँ मिल गया। उधर रास्ता नहीं होने के कारण हम इधर से जा रहे हैं, थोड़ा सा ये पास में से जा रहा है यहाँ से, लेकिन उधर क्या बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी निकलने के लिए, इसलिए थोड़ा हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये रास्ता है जिससे मतलब लोग आगे गाँव वाले जो अपने खेतों पर जाते हैं। आप देखिए आप कहाँ कहाँ घूम के आए, इसका मतलब क्या क्या देखने को मिला है, गाँव वाले तो कैसे उन्होंने देखा था कि भाई आप ही ओके गुजर रहा है, लेकिन आपने देखा कि कहाँ कहाँ और कैसे निकल के आता और कैसी कैसी खतरनाक जगह बनाते हुए निकल कर आता, और बहुत अच्छा भी लगता है, काफी एडवेंचर था। तो आगे भी ये पिक्चर लास्ट में देखेंगे। दोस्तों हम सिंपली गांव में एंटर हो चुके हैं, और ये भी गांव में से निकल, हमने आपने वहाँ से देखा ये गांव को पूरा एरिया जा रहा है, गांव में से निकल के जा रहा है, और ये यहाँ से आपने दिखवाया ये स्कूल बना हुआ है। उसके बाद अब गांव में जाकर अपने वहाँ पर बात में हमारे गाँव की मतलब जहाँ पे चल रहा है गाँव में आपको गाड़ी आपके लिए सकते किया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे मतलब वहाँ पे कितना पानी था, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी हो चुका है इसमें, मतलब धीरे धीरे छोटे मोटे नाले थे उनको मिलकर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे, और अब देखिए यहाँ कितना सारा पानी आ रहा है और रोका निकलते यहाँ जो जा रहा है, पता नहीं ये जा रहा है, तो उसकी एंडिंग देखें दोस्तों, बिल्कुल निकलता ही जा रहा है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आया, पर अभी लगता है हमें Thank you.
हुआ है और इसमें नदी ये हमारे गांव की नदी है जो इधर से आ रही है, काफ़ी दूर से आ रही है ये भी। और नदी में आप देखिए मतलब हर जगह से मतलब नदी में जहाँ से नदी शुरू होती है वहाँ से इसमें पानी ज़्यादा नहीं रहता। ऐसे जो हम यहाँ से ये बेदरी हम चल के आए ना, ऐसे जो बेदरी रहते हैं, ऐसे जो नाले रहते हैं, इन्हीं का पानी जो रहता है नदी में आगे जा जा के नदी के पानी को बढ़ा देता है ना। तो देखिए नदी काफ़ी पानी आ रहा है, 15 दिन से बारिश काफ़ी तेज़ थी और ये नदी जो है बहुत जल्द इसमें पानी आता है तो काफ़ी ऊपर ओर से जाती है, इधर से भी जो फैल कर जाती है। तो अभी देखिए हम इससे होकर आए हैं, इधर देखो इससे होकर आए हैं, तो इसका पानी ये यहाँ आकर मिल रहा है, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो दोस्तों देखा आपने ये बेदरे मतलब कैसे कहाँ से इनमें पानी स्टार्ट होता है, कैसे कैसे निकल के आते हैं और भाई ये कैसे निकल के आता है इसमें से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, ऐसी एडवेंचर वीडियोज़ के लिए, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लाएंगे आपके लिए, उनको भी देखना। तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तो करोगे करोगे हमें पता है आपका। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।